हाय गाइस, वेलकम आपका हमारे एडिशनल केमिस्ट्री की वीडियो सीरीज़ के फर्स्ट लेक्चर के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट यूनिट। तो इस यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो इस यूनिट को हम एक वीडियो सीरीज़ के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट वीडियो। तो इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू मेडिसिनल केमिस्ट्री। ये हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट के अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमको पढ़ने हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू मेडिसिनल केमिस्ट्री। ये जो टॉपिक है इसको आज हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या होती है कि इसके अंदर बायोलॉजिकल, मेडिसिनल एंड जो है कि फार्मास्यूटिकल साइंस, इसको स्टडी करते हैं हम मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर। जैसा कि मैंने आपको जो सिलेबस की वीडियो थी उसके अंदर बताया था कि किसी भी ड्रग की जनरल प्रॉपर्टीज़ को हम मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है उसको स्टडी करते हैं, जो मॉलिक्यूलर लेवल पर उसका एक्शन होता है तो उसको स्टडी करते हैं। तो ये मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। किसी भी ड्रग के इन्वेंशन को स्टडी करते हैं, इन्वेंशन करते हैं और डिस्कवरी करते हैं। कोई भी नया ड्रग यदि उसकी ज़रूरत है तो उसकी डिस्कवरी भी करते हैं। उस कोई ड्रग है तो उसके डिजाइनिंग, जैसे कि कोई फॉर्मुलेशन बनानी है तो उसकी डिज़ाइन तय करते हैं। कोई भी ड्रग्स हैं जो कि एक नया हुआ नया है तो उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। और जो बहुत सारे बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड्स है उनका फॉर्मुलेशन को प्रिपेयर करते हैं। तो जैसे कि बहुत सारे ड्रग्स होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है तो उस चीज़ को हम मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। और जो ड्रग्स हैं वो बॉडी के अंदर जाके उसका एक्शन किस तरह से होगा, मोड ऑफ एक्शन उसका क्या होगा उसको स्टडी करते हैं। तो मॉलिक्यूलर लेवल पर वो कैसे अपना एक्शन शो करेगा और उसका जो इफेक्ट है थेरापेटिक इफेक्ट वो कैसे शो करेगा तो उसको हम मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप आर आल्सो कवर्ड अंडर दिस ब्रांच। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या होता है कि कोई ड्रग्स है उसकी ड्रग्स है तो उसकी स्ट्रक्चर और एक्टिविटी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी के बीच में जो रिलेशन होता है उसको स्टडी करते हैं। अब इसके अंदर जो कुछ ड्रग्स होते हैं एग्जिस्टिंग ड्रग्स, जैसे कि जो पहले से ड्रग्स हैं तो उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं उनको स्टडी करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर। उसका क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। और जो जनरली जो ड्रग्स होते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, जबकि कुछ इनऑर्गेनिक भी होते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं सिसप्लाटिन, ये मिस्प्रिन टू है, सिसप्लाटिन है, जो सिसप्लाटिन सीरीज है उसके अंदर प्लेटिनम होता है जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो वो एक एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ कंटेन करता है सिसप्लाटिन सीरीज के अंदर जो ड्रग्स होते हैं जिसके अंदर एक प्लेटिनम पाया जाता है, वो एक एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ को कंटेन करता है। तो ये चीज़ें भी हम ड्रग्स की कैसी प्रॉपर्टीज होते हैं प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो उसको भी हम मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री एक कॉम्बिनेशन होता है, बहुत सारी जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे मिलकर बनी होती है मेडिसिनल केमिस्ट्री, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, स्टेटिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री। तो इन सारी सब्जेक्ट से मिलकर एक जो सब्जेक्ट है, मतलब कि ये जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है उसके अंदर ये सारे सब्जेक्ट से मिलकर जो एक इनका जो सारी सब्जेक्ट को एक तरह से कंपाउंड करके जो पढ़ते हैं हम वो होती है मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो ये सारी सब्जेक्ट हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो उसके अंदर जो ड्रग के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसकी स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हेल्प से। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम उसका जो मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करते हैं किसी भी ड्रग्स की। कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री होती है जैसे कि हमें जब भी कोई डेटा को कैलकुलेट करना होता है तो उसको स्टोर करते हैं डेटा को, तो वो होती है कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री।
फार्माकोलॉजी बॉडी पे कोई ड्रग कैसे एक्शन शो करेगा, मोड ऑफ एक्शन, तो उसके अंदर जो फार्माकोलॉजी है वो इम्पोर्टेंट होती है, तो इसलिए इसके अंदर फार्माकोलॉजी भी होती है। पर फार्माकोलॉजी जो ड्रग्स हैं उसका सिंथेसिस किस तरह से होता है, वो उसका सोर्स क्या है, तो इस वजह से फार्माकोग्नोसी की स्टडी करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी सब्जेक्ट मिलके इनका जो कंपाउंड स्टडी होती है वो मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर जो होता है फंक्शनल मोइटी, फंक्शनल मोइटी क्या होता है कि जब भी कोई एक कंपाउंड होता है उसके अंदर एक ग्रुप ऑफ एटम्स होता है जो कि एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शन शो करता है, और वो केमिकल रिएक्शन की वजह से उस पे कुछ फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती है उनको वो अफेक्ट करता है किसी भी ड्रग की। तो जो फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो फंक्शनल मोइटी की द्वारा वो अफेक्ट होती है। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज है उसकी इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूज होता है, उसकी स्टडी करते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री को एक कोई भी जो ड्रग्स हैं फॉर्मुलेशंस हैं उसकी डिजाइनिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, जिससे कि वो सेफ़ हो और उसका जो यूज है वो बेटर होना चाहिए और एक इफेक्टिव मेडिसिनल एजेंट बन जाए, जिससे कि एक बेस्ट प्रिपरेशन बने, जिससे कि जो कोई भी डिजीज है उसका प्रिवेंशन और क्योर ढंग से किया जा सके। मेडिसिनल केमिस्ट्री एक बहुत ही गहरी स्टडी होती है किसी भी ड्रग्स की, वो एक ही बहुत ही लास्ट स्टेज की स्टडी होती है जिसके अंदर एक सिस्टेमिक मैनर में उसकी स्टडी करनी पड़ती है, और जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी स्टडी भी हम इसके अंदर करते हैं, जो ड्रग्स की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं उसकी स्टडी करते हैं। तो ये था जो इंट्रोडक्शन है हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री का, ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।